किया गया जहां कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया और इस दौरान इस एक्सपो के ऑर्गेनाइजरों ने बताया कि एक डिसिप्लिन फोर्स थे, एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, हर इंसान वो चीज़ फॉलो, जे एक डिसिप्लिन जिदी ड्यूटी है डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, जो आप ही डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा तो कितने कितने वो सोसाइटी नू कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। बाकी कोई आम नागरिक करके करना चाहता है, जिवें कोई कर रहे से उवें कर रहे हैं, किसी चीज़ किसी बंदे नू किसी इशू नू टारगेट करना हमेशा वेलकम है, किसी नू इंडिविजुअली टारगेट करना, फैमिली नू टारगेट करना बिल्कुल गलत। कि 36 का एक मंत्री का एक एक ऑफिसर का कोई 36 का अंकड़ा नहीं होंदा, पर जिवें मैं आख्या जिहड़ा एक डिसिप्लिन फोर्स का मैंबर है उन्होंने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हुण देखो पुलिस पोस्टा हुण 2-2 किलोमीटर से तो नहीं हो सकदियां, पिंड का नाम मान है वैसे, चौकी मान वो ताई है क्योंकि उत्थे चौकी बन गई है, और टोल प्लाजा मेरा नहीं ख्याल चौकी मान तो ज़्यादा दूर है। जो हमला होया मंदभागा है, जे हमला इस तरीके का होया, और मैं अज कोशिश भी की MLA साहब नूं फोन करके उन्हां दा हाल चाल पुछण दी, पर वो शायद फोन नहीं उठा सके। मैं हुणे दोबारा कोशिश करूँगा, और जो उन्हां नूं कोई चीज़ कुछ चाहिए होगी। मैं MLA साहब हाँ ना, MLA साहब दे नाल तां वैसी सिक्योरिटी चलती है जी, 4 कर्मचारी सुरक्षा दे हुंदे है। इंडस्ट्री वालों बड़ा वड्डा उपराला किया गया, असी इहदे च 400 दे करीब एग्जीबिटर आए हैं, तो तकरीबन अज सानूं उम्मीद है भी 10,000 दे करीब विजिटर आणगे, तो लोग बड़े उत्साहित है। एक तो जेडे इंडस्ट्री में नवी टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल रही हैं, एक बाहरों बहुत सारे पैन इंडिया तो लोग आ रहे हैं जेडे लुधियाने तो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। स्टूडेंट लिए देखो अपने बच्चों एक्सपोजर नहीं है, वो जो स्कूलों पढ़ाया जाता है कॉलेजों पढ़ाया जाता, उन्होंने वर्कशॉप्स इन स्ट्रोंोंग नहीं, तो इदा दी एग्जीबिशन है उन्होंने पता चलता भी जो असी पढ़ रहे हैं वो रियल कि यूज़ होएगा जो असी पास आउट करके जावे, ये उन्होंने लिए बहुत ज़्यादा फायदे। ये असी एग्जीबिशन सेंटर लिए क्या होया काफ़ी देर तो सरकार कोशिश कर रही है, वह मतलब जल्दी टेंडर होने जा रहा, अभी यही बेनती करा भी जल्दी एग्जीबिशन हॉल पूरा किया जाए।